टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की खूब खिल्लियां उड़ाई संसद में। दरअसल हुआ क्या कि बजट पे अभिषेक बनर्जी कुछ बोल रहे थे, तभी ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा आज की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, पुरानी बातें ना करें। अब इस पे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी के लोग 50 साल पहले की बातें कर सकते हैं तो मैं कुछ सालों पहले की बात क्यों नहीं कर सकता हूं? और ये सही भी है। अब क्या कुछ बोला है अभिषेक बनर्जी ने, आप खुद ही सुनिए। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं सर जवाहरलाल नेहरू का बात लोग बोलेगा सर, सर जवाहरलाल नेहरू की बात लोग बोलेगा। कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे? वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी एंड दिस इज द ट्रेजेडी।